हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की क्लास में हमने यूपी पीजीटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे गैसियस स्टेट चैप्टर के, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे। आज हम गैसियस स्टेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एचटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। एचटेट में गैसियस स्टेट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं गैसियस स्टेट के, और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द मोलर मास ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सप्रेशन। आपको आइडियल गैस का बताना है कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चार ऑप्शंस गिवन है, आप चारों में देखेंगे मास है, डेंसिटी है, आरटी है, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स है। अब n से हमें किसी तरह से चेंज करना है इसे मॉलिकुलर मास में और डेंसिटी में, तो चेंज करते हैं। n है हमारे नंबर ऑफ मोल्स, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास। गिवन मास को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो वेट हमें गिवन होता है वो, और m हमारा क्या होता है मॉलिकुलर मास, तो w बाय m हो जाता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर n की जगह w बाय m लिख सकती हूँ, पी वी इज इक्वल टू w बाय m इंटू आर टी, आ गया मेरे पास। अब मुझे मॉलिकुलर मास चाहिए यानी कि m चाहिए, तो m को मैं इधर ले जाती हूँ, बाकी साइड अब मैं इधर ले आती हूँ, तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाय पी वी, ये आ गया। अभी किसी से भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि सब में एक ऑप्शन दिया हुआ है, डेट इज d, यानी कि डेंसिटी। अब डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी हमारे पास रेशियो होती है वेट मास, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, तो W बाय वी, तो मेरे पास W बाय वी है, मैं इसे D पुट कर सकती हूँ, यानी कि डेंसिटी D, तो यह जगह D, W बाय वी को मैंने D पुट कर दिया, डी आर टी बाय पी, तो मेरा आंसर आ गया M इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी। अब चारों ऑप्शन में से यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई है, ये नहीं आएगा हमारे पास, D इनवर्स में है, या पी डी बाय आर टी है, ये भी नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन D क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी यानी कि एम इज इक्वल टू डी आर टी बाय पी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर आइडियल गैस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज, ये क्वेश्चन तो हर स्टेट एग्जाम में आता ही आता है, ये यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, इवन केबीएस की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे पास जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी विच इज इक्वल टू वन, तो आइडियल गैस के लिए वन होता है। रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू वन से ज़्यादा और वन से कम हो सकती है, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन हो सकती है फॉर रियल गैसेस, बट यहाँ आइडियल की बात की है तो आंसर आ जाएगा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पी ऑफ अ फिक्स गैस वेरीज डायरेक्टली विद टी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉ स्टेटमेंट पूछी हुई है, चार है। सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ में हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ये बॉयल्स लॉ है, ये तो मैच नहीं करी। सेकेंड इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या होते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब कई बार हम यहाँ पे याद रख लेते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इतना इनवर्स रिलेशन है तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये चार्ल्स लॉ नहीं है, ये होती है हमारी के लुसाक लॉ। लास्ट इज एवोगैड्रो लॉ दी हुई हमें, उसमें वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये चीज़ जो ये तीनों है जो बॉयल्स चार्ल्स एवोगैड्रो, तो बहुत बार हम पढ़ते हैं, पर जब हम प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो वो होती है हमारी गे लुकास लॉ। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखो, प्रेशर वेरी डायरेक्टली विद टेम्परेचर, प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ विच लॉ, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी गे लुकास। ऐसा नहीं चार्ल्स को मार्क कर देना, चार्ल्स में उल्टा होता है, प्रेशर फिक्स होता है और वॉल्यूम वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का पूछा गया था ना कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चंस थे जो एचटेट के 2014 से लेकर 21 के पेपर्स में आए हुए हैं गैसियस स्टेट के। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड स्टेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। थैंक यू एवरीवन।